प्यार से कहना धन रंग का दी काया कसरी वन है, मन कुंजरे महमंत अंकस ज्ञान रतन है फेरे साधु संत, फेरे साधु संत। ये काया रूपी कसरी वन है जिसमें मतवाला हाथी ये मन है। अंकुश इस पर ज्ञान का लगता है और इसको घुमाने वाले संत हैं। संतों के कहे अनुसार कार्य करना, बिना शेष का मार्ग है चौदिस चरे जाए, बांधे लाओ गुरु ज्ञान से राखो तत्व लगाए। जो सिर वाले होते हैं तो उनकी कोई दिशा होती है, लेकिन यहाँ मन को कहा गया है बिना शेष का मर्ग है। ऐसा हिरण है जिसके सिर नहीं। अब जब सिर नहीं तो फिर दिशा कौन सी होगी? चारों दिशा में दौड़ेगा ना। बिना शेष का मार्ग है चौदिस चरने जाए, बांध लाओ गुरु ज्ञान से। लेकिन इस पर भी अंकुश लगता है, बिना शेष के मार्ग पर गुरु ज्ञान का राखो तत्व लगाए। ये जो परमात्मा है इससे लगा कर रखो, ऐसा कबीर जी ने फरमाया है। मन ताजी पतवा घड़े लौकी करो लगा, शब्द गुरु का ताजना कोई पहुंचे साधु सुझा। इससे लिव तार जोड़नी, इसकी लौ लगानी, गुरु शब्द का उच्चारण करना। शब्द गुरु का ताजना कोई पहुंचे साधु सुधा, कोई संत जो सब कुछ जानने वाले ही इसको इससे जोड़ पाए हैं। बिना गुरु के भक्ति मनमति कहलाती है, बिना संतों के जो भक्ति करते हैं उनकी कोई दिशा नहीं होती। वो मनमति जो है अपनी मर्जी की भक्ति करना। सभी शास्त्रों में गुरु का ही उल्लेख किया गया है। राम कृष्ण से को बड़ा तिन भी सत गुरु कीन, तेम लोक के नायका गुरु आज्ञाधीन। राम को भगवान कृष्ण को गुरु की आवश्यकता पड़ेगी? लो बोलो आज के इंसान को नहीं है, अपनी मन मर्जी से किया जा रहा है। इन्होंने भी गुरु को धारण किया तब ये भगवान कर रहा है। इन्होंने भी गुरु आज्ञा में रहकर काम किया, गुरु की सेवा की। समय जान गुरु आई सुपाई, लेने पर सुन चले दो हूँ भाई। भगवान राम का और लक्ष्मण जी का एक कर्म था, समय होने पर वो फूल लेने जाते थे और गुरु चरणों में उनको भेंट करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभ ही माथा,
भगवान राम का ये कर्म था। प्रातः काल उठ के रघुनाथ उठते ही माता पिता को शीश नवाते हैं, अपने गुरु को शीश झुकाते हैं, गुरु के चरणों में सिर रखते थे, ये उनका कर्म था। उन्होंने गुरु चरणों में अपने आप को मिटाया, लेकिन जो बिना गुरु के भक्ति किए जाते हैं वह अहंकार है। अहंकार में शामिल होती है और उससे अहंकार ही बढ़ता है। इसलिए जो कुछ करना गुरु के चरणों में करना, गुरु के आदेशानुसार करना, और दास भी कहे हुए शब्दों पर अमल कर पाए, इन्हीं शब्दों से समायसना चाहूँगा। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।